हमारा ये जो सेशन होता है ये आम तौर पर बहुत इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव से मेरी मुराद महज ये नहीं है कि आप मेरे से या मैं आपसे सवाल करता रहता हूँ, ये आपस में गुफ्तगुओं पर मबनी होता है। यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन लोगों ने आप में से अटेंड की भी हुई है वर्कशॉप, तो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है वो कॉन्वर्सेशन है जो पार्टिसिपेंट्स की आपस में होती है, जिसमें हमारा जो फैसिलिटेटर्स हैं उनका रोल काफी कम होता है। और फिर उसके बाद हम आइडिया, इसमें ये होता है कि हम अपने आइडियाज को ज्यादा रिफाइन करें, जो हमारी लर्निंग हुई है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको हम ज्यादा रिफाइन कर सकें बाय आवर ओन एक्सचेंजेस। तो आज जो हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर ना सिर्फ ये कि हमारे इंटरेक्टिव पर्सनैलिटी से है, हमारी अपनी जाती तौर पर कॉन्वर्सेशन एक वो भी हैं कि जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं, ये जिसको आप थॉट्स कहते हैं, ये जिसको आप सेल्फ सजेशंस कहते हैं, ये जिसको हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ अबाउट, ये हमारी वो कॉन्वर्सेशन हैं जो हम अपनी जात के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम कॉन्वर्सेशन का वर्ड बोलते हैं, तो इससे मुराद वो कॉन्वर्सेशन हैं जो कि वी स्टार्ट और वी इनिशिएट और वी मेंटेन विद अदर्स। आज वी विल बी टॉकिंग टुडे पर्टिकुलरली अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन। ठीक है जी, हम वाई डू वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक तो मैंने अर्ज किया कि ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है, ये पूरी पूरी स्किल जो है, ये हमारी वर्कशॉप्स में, हमारे सेशंस में बड़ा पिविटल रोल प्ले करती हैं, वेयर वेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंज देयर व्यूज विद अदर्स एंड हेयर फ्रॉम अदर्स, एक दूसरे से सीखते हैं। आइडिया इसमें ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसको समझ लीजिए, कि कॉन्वर्सेशन जब भी हम करेंगे, एक तो ये कि ये डिबेट्स नहीं होती हैं, ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ये आर्गुमेंट्स नहीं होती हैं, ये पार्टिसिपेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहे कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और किसका गलत है, बल्कि ये एक दूसरे से समझने के लिए होती है। यानी हाउ एम आई लुकिंग एट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ आर यू लुकिंग एट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम यू, इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मी एज वेल। ये जो सारे एस्पेक्ट हैं, असल में ये है जिस चीज को हम कॉन्वर्सेशन कह रहे हैं, जिसमें दोनों पार्टीज इस जगह पे खड़ी हैं कि हम दूसरों से सीख सकते हैं। इसको सामने रखते हुए मैं ये चंद पॉइंट्स आपके साथ आज शेयर करूंगा, और हम फिर इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव अबाउट टुडेज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली चीज ये कि सीरियस कॉन्वर्सेशन जब हम करते हैं दूसरों के साथ, तो ये इस अजम्पशन पे बेस्ड होती है। सीरियस कॉन्वर्सेशन से मेरी मुराद वो वाली कॉन्वर्सेशन है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें कि मैं आपसे और आप मेरे से सीखने की उम्मीद रख सकते हैं। ये जो बात है, ये असल में इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि हम दोनों मिलके इंडिविजुअली, जो हम दो लोग हैं इंडिविजुअली, जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं तो वी बिकम वाइजर टुगेदर। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्कूल की, इनफैक्ट एक कम्युनिटी की, एक स्कूल कम्युनिटी की सेइंग थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लगती है, और वो ये है दैट वी None of us is better than all of us। हम सब मिलकर जो हैं अपनी सलाहियतों के एतबार से, वो उससे बेहतर है जो हम इंडिविजुअली, कोई भी हम में से जिस जगह पे खड़ा है उससे बेहतर हम मिलकर हो जाएंगे। और ये दिस इज ट्रू फॉर एनी नॉर्मल गैदरिंग, एनी नॉर्मल कलेक्टिविटी, कि जब हम सब मिलकर किसी मामले को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, तो ये उम्मीद है कि इट विल बी अ बेटर सोल्यूशन। इसको डेवलप करने में देर देर इज अ सर्टन पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड, और आमतौर पर अगर हम ये नहीं करते हैं तो इसकी वजह ये है कि वो पेशेंस नहीं होती है। हम प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व करना चाहते हैं, हम लोगों के पोटेंशियल को डेवलप करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते जितना कि इमीडिएट जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड होते हैं। बट द फैक्ट रिमेन दैट इफ यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉन्वर्सेशन, तो आपकी एक बुनियादी अजम्पशन जो है वो ये है कि वी आर वाइजर टुगेदर। ये आपका एक पैराडाइमेटिक अजम्पशन इसमें इन्वॉल्व है कि हम सब मिलकर हर इंडिविजुअल से बेहतर
हिकमत की जगह पर खड़े हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि बिलमूम अच्छी कॉन्वर्सेशन हमको अपने अलावा दूसरों के पर्सपेक्टिव से मुतारफ भी कराती है और कई मरतबा अपने पर्सपेक्टिव को इम्प्रूव करने में भी मदद देती है। यानी वी गेट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बिकॉज वी आर आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई एम नॉट जस्ट लिसनिंग टू यू टू रिप्लाई टू यू, आई एम लिसनिंग टू यू टू लर्न फ्रॉम यू। ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको अभी मैं आगे चल के जो एक दो पॉइंट्स में आपके साथ इसको ज्यादा डिटेल से शेयर करूंगा कि इसकी क्या वजह है, हम क्यों आम तौर पर ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते और अपने आप को जब तक हम अंदर से पेशेंस और अपनी जो ये एस्पेक्ट है दूसरे की रिस्पेक्ट का, अपने लिए पेशेंस और दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, इसको जब तक हम अपने अंदर इनग्रेन नहीं करेंगे, वाकई अपने अंदर से नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक 5 साल बच्चे से अगर बात कर रहे हैं, तो देर इज नथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट चाइल्ड एंड देर आर सर्टन थिंग्स विच ओनली दैट चाइल्ड नोज एंड दे चिल्ड्रन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जी दैट हमको दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने में इनसे मदद मिलती है और मैंने इसमें मिसाल ये दी थी कि इवन अगर एक बच्चा भी है तो हम उसको हो सकता है कि अज्यूम करें कि हम उससे कुछ नहीं सीख सकते, ताहम कुछ चीजें ऐसी हैं जो वही सिर्फ हमें बता सकता है। मिसाल के तौर पर एक सिचुएशन को वो देख कैसे रहा है, वो खत कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसका देखना जो है वो हमसे डिफरेंट है एंड देट इज वाई ही इज डूइंग थिंग्स जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग हो जाती है। नंबर 3, वॉट एवर वी आर टूडे, हम जो कुछ भी हैं, हमारे अंदर जितनी कुछ भी डेवलपमेंट हुई है वो असल में उन कॉन्वर्सेशंस का नतीजा है जिसको हमने जिंदगी में इम्पोर्टेंस दी है। यानी हमने लोगों से सीखा है, हमने अपने आप से कुछ कॉन्वर्सेशंस की हैं, ये जो सारी कॉन्वर्सेशंस है इनका नेट रिजल्ट है जो कुछ आज अपने अंदर हमारे डेवलपमेंट हुई है। ये जो कॉन्वर्सेशंस है ये हमारी मीनिंग मेकिंग पर सबसे ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है। मीनिंग मेकिंग का मतलब ये है कि हम हर सिचुएशन को, जो सोशल सिचुएशंस होती हैं, उनको हम अपने जहन में कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसको एक मतलब देते हैं। ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है, ठीक है जी। ही वॉन्ट्स थिंग्स टू मेक सेंस और जब व्हेन थिंग्स डोंट मेक सेंस तो वो फिर उसमें सेंस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। हम साइंस में देखें, हम किसी भी फील्ड में अगर देखें तो वट एवर इज हैपनिंग इज that we try to create meaning in things that are happening around us. ये जो meaning है ये जरूरी नहीं है कि कोई universal reality हो, ये हमारी अपनी construction होती है। जो मेरी meaning making है वो आपसे different हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी मेरी meaning making है, जिस तरह से मैं चीजों को construct कर रहा हूँ, वो असल में उन conversations का नतीजा है कि जिसके अंदर मैं ज्यादा indulge किए रहा हूँ या करता हूँ। चाहे वो conversations मेरी किताबों के साथ हों, वो कॉन्वर्सेशन मेरी अपने साथ हो, वो कॉन्वर्सेशन मेरी दूसरे लोगों के साथ हो। दूसरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये इंटरनल भी हो सकती है और इंटरपर्सनल भी हो सकती है, बल्कि ये इंटर मैटर भी हो सकती है। लाइक यू नो समटाइम्स यू कन्वर्सिंग विद अ बुक एज वेल। ये जो कॉन्वर्सेशन होती है ये ट्रांसफॉर्मेटिव भी होती है। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग वो चीज है, ये एक खास टर्म है मेजिरो की, जैक मेजिरो इसमें एक बड़ा मेन नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग की फील्ड में। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग है ये उस लर्निंग को कहते हैं कि जो आपके पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर दे, आपकी बुनियादी आउटलुक को चेंज करने में मददगार हो, ठीक है जी। ये कॉन्वर्सेशन उसमें बड़ा पिवटल रोल प्ले करती है। यही वजह है कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के प्रोपोनेंट हैं वो अपने तरीकेकार में इस चीज को पसंद नहीं करते कि लेक्चर किए जाएं, वो इसको पसंद नहीं करते हैं कि महज एक वन साइडेड मोनोलॉग हो जिसके अंदर लोग सीखने की कोशिश करें। वो ये पसंद करते हैं कि इट शुड बी एन इंटरैक्टिव थिंग, लोग आपस में कॉन्वर्स करें, लोग मेरे साथ कॉन्वर्स करें, लोग दूसरों के साथ कॉन्वर्स करें। और ये जो कॉन्वर्सेशन हैं ये हमारी मीनिंग मेकिंग को भी और हमारे पर्सपेक्टिव को भी ट्रांसफॉर्म करने में मदद देती है।
अगली बात ये कि कॉन्वर्सेशन हमें हेल्प करती हैं मसाइल को दूसरे पर्सपेक्टिव, यानी जिस चीज पर हम फोकस्ड हैं उससे हटकर किसी दूसरी एस्पेक्ट पे फोकस करने में, और इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दे कैन बी वेरी हेल्पफुल। यानी क्या होगा कि मेरी मीनिंग मेकिंग मुझे फोकस करवा रही है एक खास एस्पेक्ट से प्रॉब्लम पर, आपकी मीनिंग मेकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको फोकस करवा रही है। ये जो दोनों हैं जब हम इनको कंबाइन करते हैं, वही पहले पॉइंट की तरफ अगर वापस आए तो वी आर वाइजर टुगेदर, वी कैन एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम बेटर बाय वर्किंग टुगेदर। कॉन्वर्सेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। एक्चुअली रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो शुरू ही इधर से होती है, यानी हमारी अच्छी कॉन्वर्सेशन एक्सचेंजेस एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ जो एक्सचेंजेस वजूद में आते हैं उन्हीं से हमारे अच्छे रिलेशनशिप वजूद में आते हैं। और ये जब जब रिलेशनशिप वजूद में आ जाते हैं तो इस चीज को तो हमें मानना पड़ेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, दे कैन नेवर बी अवॉइडेड इन एनी रिलेशनशिप। लेकिन अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपकी कॉन्वर्सेशन के दरवाजे खुले हों तो वो सब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको रिजॉल्व करने में मदद मिल सकती है। एनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लियर्ड। और आखिरी बात जो इस सिलसिले में है वो ये कि अगर ऐसी एनवायरनमेंट जो कि ट्रस्टिंग हो, जो सेफ हो, जिसमें कि आप खुलकर अपनी बात कर सकते हो बगैर इस फियर के कि आपका मजाक उड़ेगा या आप पर तनकीद होगी या आपको डिस्करेज किया जाएगा, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन वो तकाजा हैं कि हम एक दूसरे के इंटरनल प्रोसेसेस को समझ सकें। मेरा इस मामले में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आमतौर पर हम जिस चीज में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं वो बच्चों के या दूसरों के बिहेवियर्स को ठीक करने का मामला है। ये जो बिहेवियर्स हैं ये कोई हवा से आसमान से नहीं उतर रहे होते, यानी ये हमारे अंदर की कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, हमारे अंदर के प्रोसेसेस हैं, हमारी चीजों के बारे में परसेप्शंस हैं। इसको इस तरह समझ लें कि अगर आप अचानक एक कमरे में दाखिल हुए हैं और अंधेरा है उधर, और एक वायर जो है वो कॉयल बन के पड़ी हुई है, और आपकी परसेप्शन ठीक या गलत इससे कतई नजर, आपकी परसेप्शन ये है कि वो एक सांप है, तो इसके नतीजे में जो कुछ आपका बिहेवियर होगा हो सकता है उसको देखकर मैं हंस दूं, मैं ये समझूं कि बड़ा बेवकूफाना बिहेवियर है। लेकिन अगर मैं ये समझ सकूं कि आपकी परसेप्शन क्या है और मेरे से किस तरह डिफरेंट है, और ये मैं नहीं समझ सकता अनलेस एक ऐसी सेफ एनवायरनमेंट हो जिधर यू फील दैट यू कैन शेयर, तो हमारी परसेप्शंस, हमारी अजम्पशंस, हमारे बिलीफ, हमारी मीनिंग मेकिंग, थॉट, फीलिंग्स एक्सेट्रा, वो सारी चीजें जो हमारे अंदर चल रही हैं जिसके नतीजे में बिहेवियर वजूद में आते हैं, वो सारी चीजें अगर आप दूसरों की समझना चाहते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो असल में यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर इम्प्रूवमेंट और इवन योर ओन इम्प्रूवमेंट। एक आदमी दूसरा आदमी जो है वो आपकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हट के किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसे खड़ा हो गया, ये जो एस्पेक्ट है टिल द टाइम दैट वी अप्रिशिएट दैट, टिल द टाइम दैट वी अंडरस्टैंड दैट, उस वक्त तक हम उसकी हकीकत को नहीं समझ सकते कि वो जिस तरह बिहेव कर रहा है उसकी वजह क्या है। और ये जो जब हम नहीं समझ सकते तो इसका तकाजा ये है कि हम सेफ और सिक्योर ट्रस्टिंग एनवायरमेंट में अच्छी कॉन्वर्सेशन शुरू करें। तो मैंने जो ये अर्ज किया जी इसको अपने सामने रखिए दैट क्रिएटिंग कॉन्वर्सेशन, ये एक बहुत बड़ी अजम्पशन इसमें ये शामिल है दैट वी आर वाइजर टुगेदर, हम मिलकर ज्यादा बेहतर हैं, वी आर बेटर टुगेदर इनफैक्ट नॉट जस्ट वाइजर, हर लिहाज से हम बेहतर हैं। जो जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं वो उनमें से बहुत सारी मेरे पास नहीं है, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो मेरे पास हों जो आप जिसमें मेरे से हेल्प ले सकते हो। तो ये जो एस्पेक्ट है हमारा जब हम मिलके ये काम करते हैं, वी ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, वी ट्राई टू सॉल्व पजल्स ऑफ लाइफ टुगेदर, तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये कि हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से सीख सकते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉडन होता है व्हेन वी वर्क टुगेदर एंड वी कन्वर्स टुगेदर। तीसरी चीज ये कि जो कुछ हम आज हैं उसमें जो गलतियां भी हैं और जो सेहत भी है उसमें जो मेजर रोल प्ले किया है जिन चीजों ने, उनमें से एक चीज कॉन्वर्सेशन है। जिन कॉन्वर्सेशन ने आपको
सबसे ज्यादा मुतासर किया, उन्हीं से आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त मौजूद जो आपकी जिंदगी है वो उनसे तखलीक पजीर हुई, तखलीक हुई है। और फिर उसके बाद ये कि हमारी मीनिंग मेकिंग कॉन्वर्सेशन से हो रही है इंटरनल, और हमारी इंटरपर्सनल कॉन्वर्सेशन, जिस दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम प्रॉब्लम्स के फोकस में, अपने फोकस को चेंज करने में कॉन्वर्सेशन के एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन जो है बड़ी मदद दे सकती हैं, एंड दैट कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली। और फिर ये कि हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है, इनफैक्ट हमारे रिलेशनशिप की बुनियादों में से एक बुनियाद अच्छी कॉन्वर्सेशन है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी वजूद में आती है उनमें कॉन्वर्सेशन कैन प्ले अ वेरी पिवोटल रोल। और आखिरी बात ये मैंने अर्ज की है कि अगर आप किसी भी दूसरे शख्स को, जो आपके चाहे आपके अंडर इन्फ्लुएंस है या आपका दोस्त है या आपका बुजुर्ग है या आपका साथी है, किसी भी तरह से अगर आप उसकी उसकी हकीकत समझना चाहते हैं, उसके बिहेवियर्स के पीछे क्या मैकेनिज्म कार फरमा है वो समझना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कॉन्वर्सेशन, ऐसी एनवायरनमेंट में कॉन्वर्सेशन जो कि ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट हो, सिक्योर्ड हो, सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें महफूज फील करें, ये कॉन्वर्सेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्वर्सेशन है जो आपको दूसरों की परसेप्शन, उनकी अजम्पशन, उनके बिलीफ, मीनिंग मेकिंग, थॉट, फीलिंग एक्सेट्रा से मुतारफ कराती हैं। मैं अपनी बात यहाँ पर आज रोक देता हूँ जी। इस सिलसिले में कोई सवालात हो तो we can take them up now, and अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे रोक के अगली दफा we will start with the basic parts of conversation as a skill, उसको अगली दफा लेंगे जी इंशाल्लाह। जी जी सुम्बुल का सवाल है जी कि how to initiate conversations and what to keep in mind। I think the important thing to start a conversation, ये क्या होती है, कैसे किया जाता है, इसमें हमारे पेशेंट अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो ये कि हम इंसान को थोड़ा बहुत समझते हो। असल में जो ये टॉपिक है मैं यहाँ पर आई स्टार्टेड विद दिस पॉइंट कि ये टॉपिक इंटरपर्सनल इम्प्रूवमेंट से आता है जी, कि हम जब अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारा जो पूरा टॉपिक है उसकी एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन है, उसमें सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपना एक विजन क्रिएट करें, उस विजन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करेंगे आइंदा। दूसरा जो उसमें स्टेप होता है वो ये कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को ठीक करें, और तीसरा वो स्टेप होता है कि हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करें। हम जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करने की बात करते हैं तो उसमें ये जो आपका सवाल है इधर ही से शुरू करते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हम जाहिर है कि किसी को अगर ये मिसाल मैं उसकी आपको देता हूँ, इफ यू आर एट अ गैदरिंग फॉर इंस्टेंस एंड यू वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी जो बिल्कुल आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो आप उससे आम तौर पर क्या सवालात करते हैं? जाहिर है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद क्वेश्चन, ठीक है जी। आम तौर पर हम उनसे ये पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं, मिसाल के तौर पर। इसके बारे में ये ख्याल रखिए कि देर आर सर्टन jobs for instance which are not considered to be very valuable in this society, aur agar ye situation hai to isse farak nahi padta ki aapki nazar mein har job achhi hai theek hai, jo cheez important hai wo ye ki dusra usko kaise dekh raha hai, to aapne koshish ye karni hai ki aise topics se shuru kare baat jo dusre ke liye offensive na ho। For instance, let me give you an example of that, के बजाय उसके कि ये पूछा जाए कि वो क्या काम करते हैं, हम यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट क्या है, वो व्हाट इज इट दैट इंटरेस्ट देम मोर। और इसके नतीजे में शायद हर आदमी जो है वो ज्यादा खुल के बातचीत कर सकेगा। व्हाट आई फील इज दैट टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आपका जो सवालात जिधर से आप आगाज कर रहे हैं, हमारा एक पूरे का पूरा टॉपिक होता है जी, टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर क्वेश्चंस दैट वी आर आस्किंग इवन विद टू आवर ओन सेल्फ। हम जो क्वेश्चंस अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं और जो दूसरों को एड्रेस कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं, इसलिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट लाजमन वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, इसका बिल्कुल डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जिस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं जी, इट्स अ कंप्लीट टॉपिक। मैंने इसकी एक मिसाल दी है आपको,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है वो ये कि टू बी एबल टू आस्क पॉजिटिव इम्पैक्ट क्वेश्चन. आप इस तरह सोचिए कि आप क्या सवालात हैं जो अपनी औलाद से, अपने अपने साथियों से, अपने दफ्तर में कोलीग से, अपने हस्बैंड से, अपने अपनी वाइफ से, वो क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आप करेंगे तो जिसके नतीजे में अच्छा इम्पैक्ट आएगा या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. फॉर इंस्टेंस आस्किंग अ न्यूट्रल क्वेश्चन लाइक आपका आपकी औलाद, आपका बेटा, आपकी बेटी जो है वो अगर स्कूल से आई है और आप उसे पूछते हैं कि हाउ वॉज योर डे, गौर कीजिएगा कुछ अरसे के बाद ये क्वेश्चन एक फॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा और बजाय इसके कि ये पूछा जाए कि हाउ वॉज योर डे और उसका जवाब ये मिले कि इट वॉज ऑल राइट, लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन टू अ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्वेश्चन. What do you think was the most important thing or the most enjoyable thing that happened today? और इसके नतीजे में जो दिमाग है हमारा वो it starts working in a different way. इसको appreciative questions कहते हैं जी. Appreciative questions are those questions के जिसके नतीजे में आपके अंदर positive feelings develop होती हैं, जिनका जवाब देते हुए आप बेहतर महसूस करते हैं. तो ये उसूल सामने रखते हुए मैं अब इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकता, इस वक्त टाइम बहुत लिमिटेड होगा और ये पूरा एक टॉपिक है टेक्निकली, ये इंशाल्लाह आइंदा वेरी बेस्ट आएगा. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने चंद मिसालें देखकर ये वाजे करने की कोशिश की है दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी सच क्वेश्चन, क्योंकि देखिए चाहे आप क्वेश्चन से शुरू करें या ना करें, असल में बात शुरू आपके जहन में मौजूद किसी क्वेश्चन ही से होती है. ठीक है जी, वट एवर यू आर डूइंग, हर वक्त पूरे दिन में आप जो कुछ कर रहे हैं वो असल में किसी ना किसी ज़हनी सवाल के जवाब में कर रहे हैं. आप अगर अपना सामान पैक कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ सवालात होते हैं जिनके जवाब आप दे रहे हैं और वो अमल कर रहे हैं. सो वट इज इट दैट यू विल आस्क दैट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल टू स्टार्ट अ गुड कॉन्वर्सेशन. जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी जो एक इंटेंशन होती है कोई भी चीज पूछने की, एक तो होता ना कि कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस में चली गई होती है, तो हम जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं यानी कि कोई सवाल स्पेसिफिकली पूछना हो तो फिर बंदा उसको इंटेंशनली ही पूछता है. लेकिन अब अगर कन्वर्सेशन चल निकली है और बात हो रही है किसी के साथ आपकी, तो उसमें आप वही बातें करते हो जो आपके सबकॉन्शियस में जा चुकी होती है. तो मैं असल में इसमें पूछना ये चाहता हूँ कि हम किस तरह से जो है उसको हर वक्त एक इंटेंशनली डील कर सकते हैं सब क्वेश्चंस को. यानी कि कई दफा इस तरह होता है कि हम बड़ा इंटेंशनली सोच के गए होते हैं, तरबियत भी अपनी इस तरह की होती है कि बहस हम लोग करेंगे किसी के साथ तो जहाँ कहीं पे पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे मेरी गलती मुझे वाजे होती नजर आई तो मैं उसको कबूल करूंगा, डिफेंसिव नहीं हो जाऊंगा कि मैंने अपनी बात जो है मनवानी. तो लेकिन मेरा सबकॉन्शियस जो है मुझे फिर कंट्रोल करना शुरू करता है कि नहीं, मैंने अगर पीटीआई के खिलाफ राय कायम कर ली है या नून लीग के खिलाफ राय कायम कर ली है तो अब मैंने उसके खिलाफ ही रहना है, तो मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ उसमें. तो इंटेंशनली किस तरह हम लोग इसको लेके चल सकते हैं? ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी, और इसकी इसमें जो आपने बात वर्ड यूज किया है, मैं असल में यही जवाब है इसका, बीइंग मोर इंटेंशनल इन योर रिस्पॉन्सेज. ये it is something that you start developing as a self-control mechanism. यानी आपका जब आपने कोई बात कहनी है, जब आपने कोई बात करनी है, जब कोई अल्फाज बोलने हैं, तो आप इसको जहन में लेकर आइए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये उन मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से ठीक है कि जिनके मुताबिक आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई राय कायम कर ली है तो अब आपका मॉरल प्रिंसिपल, आपका विजन क्या है. ये बड़ा जरूरी है जी कि हम अपने बारे में अपने विजन को बहुत क्लियर रखें कि हम किधर पहुंचना चाहते हैं. आमतौर पर आप ये देखेंगे कि जब आपका विजन ना हो, इफ यू लैक अ क्लियर प्रॉपर विजन अबाउट हाउ वेयर यू वॉन्ट टू बी इन द नेक्स्ट लेट से एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, 10, 12, 15 साल, या इवन अ बेटर क्वेश्चन वुड बी वेयर वुड यू लाइक टू बी when you are on your deathbed. ठीक है जी, ये किधर होना चाहते हैं, एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट एज नॉट वेरी फार ऑफ, थिंक अबाउट इट एज क्लोज बाय, नियर, इट्स वेरी नियर, टाइम कम है. तो
फिर आप ये देखिए कि जब वो विजन होगा आपका, और यही हम एक्सरसाइज करवाते हैं इसमें, जिसमें कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहली बात जो है वो ये करें कि हम अपने बारे में क्या आइडियलाइज करते हैं कि हम हमें किधर पहुंचना है. इट इज नॉट समबडी एल्स दैट वी वुड लाइक टू आइडियलाइज, इट इज हम अपना विजन हम आइडियलाइज करें कि हम किधर होना चाहते हैं. और अगर ये विजन नहीं है तो फिर ये जो सारी बात आपने फरमाई है इसमें इंटेंशनल होने में कंट्रोल डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा विदाउट हैविंग अ प्रॉपर विजन. लेकिन अगर वो विजन है तो फिर ये जो इंटेंशनल होना है अपने रिस्पॉन्सेज में, अपनी बातों में इंटेंशनल होना है, वो असल में जो क्राइटेरियन आपके पास होगा, वो जो स्टैंडर्ड आपके पास होगा, जो आपको बताएगा कि आप ठीक या गलत कर रहे हैं, वो जो कंपस होगा आपका, वो आपका मॉरल कंपस आपकी कॉन्शियंस में भी और आपके सामने एक कॉन्शियस में भी, इट विल बी बाय दोज प्रिंसिपल्स जो कि आपने अपने लिए ले डाउन किए हैं. अगर मिसाल के तौर पर ये पता चलता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन अब चूंकि मैंने कह दी है तो अब मुझे इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, इसका मतलब है कि जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी है वो काफी वीक हुआ हुआ है. और इसमें जो एक्सरसाइजेज मैं आइंदा चल के आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी एक्सरसाइजेज हैं कि जो हमें इस मामले में ज्यादा स्ट्रेंथ देती हैं कि हम अपनी अपनी लिविंग को ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा इंटेंशनल बनाएं, ज्यादा पर्पजफुल बनाएं, ज्यादा प्रिंसिपल सेंटर्ड बनाएं. दिस इज समथिंग दैट वी एस्पायर टू गिव टू आवर पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह. मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया जी शाजिद साहब. जी जी सर, बिल्कुल, थैंक यू, समझ गया मैं ओके जरूर. जी, राइट जी. ठीक है जी, तो वुड यू जी कोमल, आप क्या हुक्म है जी, खत्म कर दें इधर फिर. सर जी ठीक है. चलें जी, राइट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल यू ऑल ऑफ यू जी. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक के साथ इसकी अगली जो है एस्पेक्ट एज अ स्किल कि हम किस तरह से इन कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करें और अपने डिफरेंट रोल्स को कैसे समझें. थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.